कोटा के श्रीनाथपुरम एरिया स्थित राजपूत समाज के बिल्डिंग को महिला छात्रावास के बजाय मैरिज हॉल के रूप में इस्तेमाल करने के मामले में राजपूत समाज के सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग प्रदर्शन करने श्रीनाथपुरम स्थित राजपूत समाज के भवन पहुंचे। प्रदर्शनकारियों में पूर्व विधायक भवनी सिंह रजावत भी शामिल थे। एक महीने से लगातार हम प्रयास कर रहे थे, फुल कोशिश कर रहे थे, पूरे राजपूत समाज में इसका रोष था। 2003 में ये धारीवाल जी जब मंत्री हुआ करते थे उस समय हमें राजपूत समाज के नाम से जमीन अलॉटमेंट की हुई थी। उसके बाद 2003 के बाद जब इसमें मीटिंग की राजपूत समाज की, पूरे हार्ड ऑफ दिशा राजपूत समाज पधारा, उसके बाद इसमें हाडी रानी कन्या छात्रावास के नाम से राजपूत समाज से पूरे राजस्थान से करोड़ों रुपये उगाए गए। एक एक किसी ने 50,000 दिए, किसी ने 1,00,000 भी दिए, सबका इसमें योगदान रहा। उसके बाद कन्या छात्रावास, तो इसमें एक व्यक्ति गोविंद सिंह तंवर 2003 से अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं। उनके परिवार की, जो उनके सासू ससुर करके 46 मेंबर उनके उनके परिवार के बनाकर इसमें चुनाव प्रक्रिया नहीं कराकर खुद धांधली करके इसमें 20 साल से वो अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं। इसमें आज दिन तक उन्होंने कन्या छात्रावास के नाम सर एक दिन कन्या इसके अंदर नहीं रखी। क्या है 2005 में ये स्वशासन मंत्री धारीवाल जी ने समाज के लिए, क्योंकि राजपूत छात्रावास तो रियासतकालीन था लेकिन कोटा अब कोचिंग का हब हो गया और लगातार समाजों को UIT ने जगह आवंटित की है, तो इसीलिए यहाँ पर ये कन्या छात्रावास, हाडी रानी कन्या छात्रावास ये बने। तो 2015 में वो बन गया और उसके बाद गोविंद सिंह तंवर जो है कई इस पे गतिविधियाँ संचालित करता रहा, व्यवसायिक गतिविधियाँ। तो आज हमने 2 दिन पहले ये प्रशासन को आगाह कर दिया था